जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन इज, वायुमंडल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर, यह रंगहीन व गंधहीन गैसों का आवरण है, पृथ्वी के साथ यह भी घूमता है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे सटा रहता है, वायुमंडल की हवा की कुल मात्रा लगभग 6×10³ है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज, 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा का घनत्व लगभग आधा रह जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज, वायुमंडल की हवा की कुल मात्रा लगभग 6×10³ है। यह ऑप्शन वायुमंडल के संदर्भ में गलत है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तरण में कौन सी परत शामिल नहीं है? अर्थात वर्टिकल लेयरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर में निम्न में से कौन सी परत शामिल नहीं है? एंड द ऑप्शंस आर, शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, सेकंड ऑप्शन इज समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड ऑप्शन इज आयन मंडल या आयनोस्फेयर, फोर्थ ऑप्शन इज बहाय मंडल या एग्जोस्फेयर, नेक्स्ट ऑप्शन इज एस्थनोस्फेयर एंड द लास्ट ऑप्शन इज मध्य मंडल या मेसोस्फेयर। थिंक ओवर इट। एंड द करेक्ट आंसर इज एस्थनोस्फेयर, अर्थात एस्थनोस्फेयर वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तरण में शामिल नहीं किया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की कौन सी परत धरातल को स्पर्श करती है? एंड द ऑप्शंस आर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड ऑप्शन इज बहाय मंडल या एग्जोस्फेयर, एंड थर्ड ऑप्शन इज आयन मंडल या आयनोस्फेयर, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, एंड द फिफ्थ ऑप्शन इज मध्य मंडल या मेसोस्फेयर। थिंक ओवर इट। एंड द करेक्ट आंसर इज क्षोभ मंडल, अर्थात क्षोभ मंडल वायुमंडल की ऐसी परत है जो धरातल को स्पर्श करती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन गैस का संकेंद्रण है? एंड द ऑप्शंस आर क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर, बहाय मंडल या एग्जोस्फेयर, आयन मंडल या आयनोस्फेयर, मध्य मंडल या मेसोस्फेयर। थिंक ओवर इट। एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य मंडल या मेसोस्फेयर, अर्थात मेसोस्फेयर वायुमंडल की ऐसी परत है जिसमें ओजोन गैस का संकेंद्रण पाया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की कौन सी परत में वायु घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है, अर्थात हाईएस्ट एयर डेंसिटी वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? एंड द ऑप्शंस आर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, बहाय मंडल एग्जोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर, या शोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, या मध्य मंडल मेसोस्फेयर। थिंक ओवर इट। एंड द करेक्ट आंसर इज शोभ मंडल, अर्थात ट्रोपोस्फेयर में वायुमंडल की ऐसी परत है जहां वायु का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की कौन सी परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, अर्थात इन विच लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। एंड द ऑप्शंस आर क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, निचला आयन मंडल में, लोअर आयनोस्फेयर, उपरोक्त दोनों में, ऑल अबव और नन ऑफ द अबव। थिंक ओवर इट। एंड द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त दोनों लेयर में, अर्थात क्षोभ मंडल और निचले आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की कौन सी परत में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, ऑल वेदर इवेंट्स अकर इन विच लेयर।
एंड द ऑप्शंस आर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, बहाय मंडल एग्जोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर, शोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज शोभ मंडल, अर्थात शोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर में वायुमंडल की सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान बढ़ता है? इन विच लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। एंड द ऑप्शंस आर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन मंडल ओजोनोस्फीयर, उपरोक्त दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त दोनों में, अर्थात समताप मंडल और ओजोन मंडल दोनों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी बढ़ोतरी पाई जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की कौन सी परत में ध्रुवों पर मोटाई कम और भूमध्य रेखा पर मोटाई अधिक पाई जाती है? एंड द ऑप्शंस आर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, बहाय मंडल एग्जोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, शोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज शोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर, अर्थात ट्रोपोस्फीयर की मोटाई ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, ऐसा तापमान के वितरण के कारण होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की कौन सी परत में जेट धाराएं प्रवाहित होती हैं? एंड द ऑप्शंस आर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, शोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, निचला समताप मंडल व ऊपरी शोभ मंडल में, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, उच्च तापमंडल थर्मोस्फीयर। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज निचले समताप मंडल और ऊपरी शोभ मंडल में जेट धाराएं प्रवाहित होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत सूर्य की रोशनी में विकसित होती है और रेडियो की मध्य व लघु तरंगों को परावर्तित करती है? एंड द ऑप्शंस आर ई लेयर, एफ वन लेयर, डी लेयर, ऑल अबव। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल अबव, अर्थात ई लेयर, एफ वन लेयर और डी लेयर दिन के समय में सूर्य की रोशनी में विकसित होती हैं और मध्य व लघु लंबाई की रेडियो तरंगों को वापस धरती पर रिफ्लेक्ट करते हैं या परावर्तित करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल की निम्न में से कौन से मंडल में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव न्यूनतम पड़ता है या न्यूनतम होता है? एंड द ऑप्शंस आर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, उच्च तापमंडल थर्मोस्फीयर, बाह्यमंडल एग्जोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर या शोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज बाह्यमंडल एग्जोस्फीयर, अर्थात यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव न्यूनतम पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल में धरातल के समीप जलवाष्प की वायुमंडल के आयतन के कितने प्रतिशत तक हो सकती है? अर्थात वायुमंडल में धरातल के समीप जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल के आयतन के कितने प्रतिशत तक हो सकती है? एंड द ऑप्शंस आर 4% तक, 5% तक, 3% तक या फिर 7% तक। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज 4% तक, अर्थात वायुमंडल में धरातल के समीप 4% तक मैक्सिमम जलवाष्प की मात्रा हो सकती है वायुमंडल में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ निम्न में से कौन सी गैसों या तत्वों की मात्रा में कमी आती जाती है? एंड द ऑप्शंस आर ऑक्सीजन, आर्गन, जलवाष्प या वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त सभी। थिंक ओवर इट
एंड द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी या ऑल अबव, अर्थात ऑक्सीजन, ऑर्गन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में धरातल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इनकी मात्रा में कमी आती जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एंड द ऑप्शंस आर वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटेगी, वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता स्थिर रहेगी, या वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित नहीं होगी। थिंक ओवर इट एंड द करेक्ट आंसर इज वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, अर्थात जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता जाता है वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है, अर्थात दोनों में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है।